प्रिय नमस्ते, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग करंट कारों को पढ़ेंगे यानी इंस्ट्रूमेंट को केस। अगर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ इंट्रो और आउट्रो के लिए। अगर आपको इंट्रो पसंद आता है तो आप उसको म्यूज़िक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना होगा। देखिए ये इमेज, देखिए ऐसा लिखा हुआ होगा इंट्रो लिंक, तो आपको इस लिंक पर सिंपली क्लिक करना होगा। फिर आपको एक वेबसाइट खुलेगी, उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। फिर बाद में ऐसी इमेज आएगी, इसके नीचे जस्ट लिखा होगा कि 10 सेकंड बाद में आपका डाउनलोड जाएगा। फिर 10 सेकंड तक वेट करना होगा, फिर आपके ऐसी इमेज आएगी। इस रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीधा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा विथ म्यूज़िक के साथ। और चलो पढ़ाई करते हैं वाला लिखा हुआ नहीं आएगा और बाद में लोगो भी नहीं आएगा, सिर्फ फायर जो राइट साइड में जा रही थी वही आएगा। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रो का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। रही बात आउटरो की, आउटरो मैंने खुद से बनाया है, खुद से काइनेमास्टर से बना। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं भी आपके ऊपर एक बेस्ड वीडियो बना दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब काइन मास्टर से आउटरो कैसे बनाते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और इसमें म्यूज़िक जो है वो मैंने अलग वेबसाइट से लिया है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना होगा। अगर आपको पसंद आता है म्यूज़िक तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं आउटरो का म्यूज़िक का लिंक। सबसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना होगा। फिर देखिए ये इमेज है, ऐसा लिखा होगा आउटरो म्यूज़िक लिंक। आपको इस सिंपली लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आपके ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखिए ये जो एरो जा रहा है, इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीधा आपके प्ले म्यूज़िक में डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखिए प्ले का बटन है, इस पर आप प्ले करके इसको सुन भी सकते हैं आराम से। आशा करता हूँ ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। करंट कारक इंस्ट्रूमेंट केस। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करंट कारक कहते हैं। दोस्तों जिस भी वस्तु की सहायता से जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करंट कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करंट कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हमें दिखाई पड़ता हो उसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। हम आंखों से देखते हैं, इसमें जो आंखों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आंख की सहायता ली गई है, इसलिए आंखों से करण कारक है। दोस्तों इस वाक्य में आंखों से ये सहायता ली गई है, आंखों से देखते हैं तो हम किसकी सहायता से देखते हैं, आंखों की सहायता से, तो इसलिए आंखों से करण कारक कहलाएगा। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत के में आए कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को सप्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। दोस्तों ये ऐसे कुछ काम की चीज़ नहीं है। 2-3 पैराग्राफ जो हैं मैं इसको सिर्फ रीड ही कर रहा हूँ, आपको इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ अपने दिमाग में माइंड में रख सकते हैं कि हाँ भाई ये बातें हैं। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह हैं से द्वारा के जरिए के साथ के बिना इत्यादि। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित से द्वारा के जरिए इत्यादि ही है। के साथ के बिना आदि संधानात्मक योग वियोग जाताने वाले अव्ययों के कारण संधानात्मक साधन योग बताने के द्वारा के की ही तरह की करण कारक के चिन्ह है। करण का अर्थ है साधन, अतः ये से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे मुझसे यह काम न सदेगा, यहाँ मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा, मुझ साधन भूत के द्वारा या मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने का कारण यह मुझसे का से करण का विभक्ति चिन्ह है। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का अर्थ है अलगाव की प्राप्ति, अतः अपादान का से चिन्ह अलगाव के संकेत का प्रतीक है। जबकि करण का अपादान के विपरीत साधन का साधन भूत लगाव है। का पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला आदि वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ का या घर को साधन नहीं सिद्ध करता, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त से विभक्ति चिन्ह अपादान अपान
अपादान कारक का है और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनाता है। करण कारक का क्षेत्र कन्य सभी कारकों से विस्तृत है, इस कारण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हैं आ जाते हो वह आने से बच गए हों आ जाते हैं। अतः इसकी कुछ सामान्य पहचान और नियम जान लेना आवश्यक है। दोस्तों तो फर्स्ट हमारा ये है सही करण और अपादान दोनों विभक्ति का चिन्ह विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधन भूत का प्रत्यय पर हो प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान। दोस्तों सही करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह होता है लेकिन साधन भूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान है। जैसे कि हम तीन ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। वह कुल्हाड़ी की मदद से वह वृक्ष को काट रहा है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, कमाई से उसे खाना मिल रहा है, उसे भोजन मिल रहा है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। संगति से यहाँ पे प्रयोग हो रहा है बुद्धि सुधरती है साधुओं की। यह तीन करण हैं, पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरी हुई लता, यह तीनों अपादान हैं। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और सब्सक्राइब के पास में ही एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं, धन्यवाद।